कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बताया है। महिला ने कहा कि उमंग सिंघार अप्राकृतिक कृत्य करते हैं व प्रताड़ना देते हैं। पूरे मामले की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुष्टि की है। वहीं उमंग सिंघार ने इसे ब्लैकमेलिंग बताया है। आपको बता दें कि उमंग सिंघार तब भी कुछ ऐसी ही चर्चा में सामने आए थे जब उनके भोपाल स्थित निवास पर उनकी एक महिला मित्र ने आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर महिला ने दुष्कर्म और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि धार जिले में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे स्थित विधायक निवास पर उमंग सिंघार ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, मारपीट भी की और अभद्र व्यवहार किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। महिला ने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया। महिला ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य करने का भी आरोप लगाया है। नौगांव पुलिस ने फरियादी के कथन के आधार पर उमंग सिंघार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सहप्रभारी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उमंग सिंघार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनके और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। महिला जबलपुर की है। महिला ने खुद को सिंघार की पत्नी बताया है। उसने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उमंग सिंघार से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। दोनों की फोन पर बातें होने लगी। सिंघार ने शादी का वादा किया था। इसके बाद महिला दिल्ली, गुरुग्राम, धार और भोपाल के निवास पर उमंग सिंघार के साथ रहने लगी। इस दौरान सिंघार ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने की बात से मुकर गए। महिला ने इसकी शिकायत करने की धमकी दी तो सिंघार ने भोपाल स्थित आवास में 16 मार्च 2022 को उसके साथ शादी कर ली, फिर उसे प्रताड़ित करने लगे। महिला का आरोप है कि सिंघार ने अश्लील वीडियो बनाए और दोस्तों को दिखाने की बात कहकर ब्लैकमेल भी किया। पीड़िता ने सिंघार पर जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। वहीं विधायक उमंग सिंघार ने इस पूरे प्रकरण में अपना पक्ष रखा है। विधायक ने नौगांव थाना प्रभारी को एक आवेदन 2 नवंबर को लिखा था जिसमें बताया था कि 16 अप्रैल 2022 को मेरा विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही पत्नी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे कहा कि मैंने तुमसे शादी पैसे के लिए की थी, मुझे 10 करोड़ रुपए दो वरना मैं तुम्हारा करियर समाप्त कर दूंगी। झूठे इल्जाम लगाकर तुम पर प्रकरण दर्ज करा दूंगी। पत्नी मुझे झूठे केस में फंसाना चाहती है, मेरा अपमान किया, मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया हूं। मैंने पहले ही पुलिस से प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया, करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इन जो महिला ने आरोप लगाए कि ठीक है निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है, लेकिन वो हमारी मैं ठीक है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था, उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड निकाल,
तो मैं क्या मैं अपनी जनता की सेवा करूं कि मैं सुसाइड करना पसंद करूं? तो मैंने जनता की सेवा करना पसंद किया, जो भी मेरे पे झूठे आरोप लगाएंगे उसको मैं ठीक है, न्याय है, न्याय की मांग करूंगा, न्याय के हिसाब से जैसा भी माननीय न्यायालय जब मैं जाएगी बात, मैं अपना पक्ष रखूंगा, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान के न्याय। आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।